अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल सारी फैमिली को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो का आगाज करती हूँ दर्जी रूटीन से। तो दर्जी रूटीन में मैंने सुबह सुबह घर का काम कर लिया है, फारिग हो गई हूँ। तो आज मैंने जाना है मिलाद पे, तो तैयारी की है उधर जाने की। तो आज सुबह सुबह मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, हल्की हल्की बारिश भी हुई है, हवा भी बहुत तेज चल रही थी, तो मौसम बहुत ही ठंडा है। तो अभी मैंने जाना है उधर मिलाद पे, तो उधर जाऊँगी पढ़ने के लिए, फिर वापसी पे सारी अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने काम कर लिया है सारा, काम से फारिग हो गई हूँ। बच्चे स्कूल जाने वाले स्कूल जा चुके हैं। ये बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। अब हल्की हल्की सी धूप आ रही है, वैसे अभी भी बादल हैं। तो ये जब बारिश हुई थी ना, तो उसका है अभी थोड़ा थोड़ा गली में गीली गीली जगह हो गई है। Bye.
ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਜਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾਤ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਅਜਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਰਾ ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਯਾ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਹਜੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣਾ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी दिखा दूँ आपको तो इधर बैठ के माशाल्लाह से मिलाद हुआ है तो बहुत मज़ा आया बहुत सुकून मिला माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा लोग निकली बहुत मज़ा आया इसने होमवर्क करना था तो इसके लिए ये ना एक इसने बनानी थी माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की तो इसे नहीं बनानी नहीं आती तो बनानी मुझे भी नहीं आती क्योंकि मैंने काफ़ी देर हो गई है दोबारा हाथ में पेन पकड़ के नहीं देखा तो फिर मैंने ना इसे इसके साथ कार्बन पेपर के साथ तो ये बना के दी तो आज फिर कह रहा है कि एक मुझे आज भी बना के दो तो गाइस आज ना मैं ये क्या है लो जी आज मैंने ना ये वाली जो चीज़ है ना ये बनानी है चीज़ का नाम नहीं है ना मुझे आता नहीं है इसका ये यहाँ से फट गई ये इसका नाम यहाँ पर लिखा नहीं हुआ इसके अंदर के जो हिस्से हैं ना उनका नाम लिखा हुआ है इसका नाम नहीं लिखा और गाइस माय ब्रदर पढ़ते हो भी ना शरारती करने से बाद ना आया करो पढ़ तो लिया करो सीरियस होके
ये वाली बनानी है और इसके अंदर ये जो है ना चीजें ये भी बनानी है। तो गाइस अब आप भी देखना के मम्मा कैसे बनाते हैं, और अगर आपके बच्चे को ऐसे मिले ना ये चीजें बनाने के लिए तो फिर आप भी कार्बन पेपर के साथ बना सकते हैं। 10 रुपए का आता है हमारे यहाँ पे, 10 रुपए देखो। तो ये देखिए गाइस मम्मा अब बना रहे हैं ये ना जैसे जैसे इसके ऊपर करते रहेंगे मम्मा पेंसिल के साथ तो वो कॉपी पर उसकी इंक लगती रहेगी और वो उधर बन जाएगा। और ये देखें ये है एनिमल सेल, ये बन गया है। अब इसके जो नेम लिखेगा खुदी, तो ये मैंने बना दिया है। और ये वाली कल बनाई थी तो अब ये खुद ही इस पर है ना नाम लिखेगा। शाम का टाइम हो चुका है, मौसम बहुत अच्छा है, बादल भी हुए हैं, बारिश हो सकती है। तो छत पे आके बैठ गए हैं, आप भी देख रहे हैं अभी भी बादल हैं, हो सकता है रात को बारिश हो जाए। तो रात को फिर दौड़ लगेगी नीचे जाने के लिए, लेकिन अभी तो बहुत ही प्यारा मौसम है, अभी देख जा रहा है कि इधर ही बैठी हुई। तो इस वक्त आके इधर फारिग होकर बैठ जाते हैं। तो सारे दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की तो बहुत ही कि मैं आज मिलाद पे गई थी, तो बहुत मज़ा आया। तो उसके मिलाद में जो नातें वगैरह पड़ी थी वो भी थोड़ी सी मैंने शेयर की है आपके साथ, तो आप भी सुनना। मुझे तो उधर बहुत ही मज़ा आया था, फिर दुआएं भी मांगी। जो महफिल होती है ना सुल्तान सलम की, तो उधर जाके बहुत सुकून मिलता है और बहुत ही सी दुआएँ जो है वो पूरी होती हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जाना चाहिए महफिलों पर। और आज हम फारिग होकर इधर बैठ चुके हैं। चैनल में कामयाबी दे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया कीजिए ताकि हम भी तरक्की करें। और गाइस ये मेरी मम्मा का ना न्यू सूट है, तो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। और ये मेरा भी न्यू सूट है, सेकंड टाइम मैं इसको पहन रहा हूँ। देखे मैंने इतना अच्छा लगना था लेकिन नहीं, नहीं तैयार करोगे, बहुत प्यारे लग रहे हो। इधर क्या उसने किया? कुछ नहीं किया, जब तेरे बालों का स्टाइल ही ऐसा है। अगली वीडियो तक साथ रहिएगा, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो ये चिड़िया है, आके बैठी है अगर छत पे, रात हो रही है ना, वो भी अपने ठिकाने पे आ गई है, मेरे चाचू के घर, पुराने घर, मेरे चाचू का पुराना घर है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के इजाजत, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।